अमेरिका इस समय कर्ज संकट से जूझ रहा है। इसका असर अब बाकी देशों पर भी पड़ने लगा है। अमेरिका के रोग नियंत्रण और रोकथाम केंद्र यानी CDC ने पाकिस्तान को दी जाने वाली वित्तीय मदद को रोक दिया है। रिपब्लिकन सांसद मार्जोरी टेलर ग्रीन ने रविवार को एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी। पाकिस्तान खुद इतिहास के सबसे गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, ऐसे में अमेरिका का संकट उसकी मुश्किलें और बढ़ा सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और शीर्ष कांग्रेसी रिपब्लिकन केविन मैकार्थी की ओर से सरकार की 31.4 ट्रिलियन कर सीमा को बढ़ाने के लिए एक अस्थायी सौदे पर पहुंचने के तुरंत बाद ग्रीन का यह ट्वीट आया। अमेरिका की CDC एक सरकारी स्वास्थ्य एजेंसी है। एजेंसी का मुख्य उद्देश्य अमेरिका और दुनिया भर में बीमारियों के नियंत्रण और रोकथाम के माध्यम से जनता के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना है। अपने ट्वीट में ग्रीन ने कहा, जल्द ही ऋण सीमा पर समझौते को अंतिम रूप दिया जाएगा, जिसके लिए CDC ग्लोबल हेल्थ फंड से $400 मिलियन वापस ले लिए जाएंगे, जो चीन जैसे देशों को विदेशों में पैसा भेजता है। उन्होंने कई देशों की एक लंबी सूची साझा करते हुए लिखा, अब इन देशों को टैक्सपेयर्स का पैसा नहीं दिया जाएगा। इनमें अल्बानिया, आर्मेनिया, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चीन, भारत, इंडोनेशिया, जॉर्जिया, नामीबिया, नाइजीरिया, ओमान, पाकिस्तान, फिलीपींस, रवांडा, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण सूडान, तंजानिया, थाईलैंड, युगांडा, यूक्रेन और वियतनाम सहित कई देश शामिल हैं। राष्ट्रपति बाइडेन और प्रतिनिधि सभा के स्पीकर केविन मैकार्थी के बीच शनिवार देर रात देश की ऋण सीमा बढ़ाने पर एक सैद्धांतिक सहमति बन गई। दोनों संघीय खर्च को सीमित करने और अमेरिका को संभावित डिफॉल्ट से बचाने के लिए एक समझौते पर तैयार हो गए हैं। हालांकि इस समझौते तक पहुंचने के लिए जो रियायतें या शर्तें तय की गई हैं, उससे डेमोक्रेट और रिपब्लिकन दोनों पक्षों के नाराज होने का खतरा है।